हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम भारत को ब्रिटिश शासन की जो विरासत के पार्ट टू के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर दो, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? ऑप्शन ए इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत पर रोक लगा दी, बी इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया, सी इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, डी इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृत दी गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। प्रश्न नंबर तीन, पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन ए सती प्रथा, बी बाल शिशु हत्या, सी स्त्री शिक्षा, डी विधवा पुनर्विवाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्त्री शिक्षा के लिए डीके कर्वे ने भारतीय समाज के लिए बहुत से कार्य किए थे। प्रश्न नंबर चार, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? ऑप्शन ए लखनऊ में, बी दिल्ली में, सी सियालकोट में, डी हैदराबाद में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये लखनऊ में स्थित था। मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल करने वाला मदरसा ये लखनऊ में स्थित था। प्रश्न नंबर पाँच, अधोलिखित कॉलेज को श्रेणीबद्ध कीजिए, संस्कृत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, फोर्ट विलियम, कलकत्ता मदरसा। तो इसके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4, बी 4, 1, 3, 2, सी 3, 4, 1, 2, डी 1, 2, 4, 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4, 1, 3, 2। इसका मतलब पहले कलकत्ता मदरसा, फिर संस्कृत कॉलेज, फिर फोर्ट विलियम, उसके बाद में हिंदू कॉलेज। प्रश्न नंबर छः, भारत में शिक्षा के आयोगों को उनके गठन के अनुसार वायसरायों द्वारा सुमेलित कीजिए, ए चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये लॉर्ड डलहौजी के समय, दूसरा है हंटर कमीशन, ये लॉर्ड रिपन के समय, फिर है रैले कमीशन, ये लॉर्ड कर्जन के समय। ये इसका सही मिलान कर दिया गया। प्रश्न नंबर सात, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। प्रश्न नंबर आठ, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए वेलेजली, बी हेस्टिंग, सी जॉन एडम्स, डी डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी। प्रश्न नंबर नाइन, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी से, बी सी आर दास से, सी जवाहरलाल नेहरू से, डी मोतीलाल नेहरू से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू से इंडिपेंडेंट पत्र जुड़ा, अंग्रेजी पत्र जुड़ा था। प्रश्न नंबर दस, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? ऑप्शन ए बंगवासी, बी काल, सी केसरी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कांग्रेस की आलोचना करती थी। प्रश्न नंबर ग्यारह, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए द बंगाल गजट, बी द कलकत्ता गजट, सी मद्रास कुरियर, डी बॉम्बे हेराल्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द बंगाल गजट,
भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। प्रश्न नंबर 12, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी एस एन बनर्जी, डी शिशिर कुमार घोष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 13, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? ऑप्शन ए सी के रमन पिल्ले, बी सी एन मुदालियार, सी के रामकृष्ण पिल्ले, डी सी आर रेड्डी। तो इसका सही उत्तर है के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। प्रश्न नंबर 14, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए गदर, बी केसरी, सी फ्री हिंदुस्तान, डी स्वदेश मित्र। ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से इस समाचार पत्र केसरी का प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नाम का समाचार पत्र शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन ए न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया, डी फ्री प्रेस जर्नल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लीडर। प्रश्न नंबर 17, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची वन में समाचार पत्र दिए हैं और सूची दो में इनकी भाषाएं दी हैं। तो भारत मित्र जो समाचार पत्र था ये हिंदी में था, भारत मित्र समाचार हिंदी में था। राष्ट्र मत ये मराठी में समाचार पत्र था, मराठी भाषा में। और जो प्रजा मित्र है, प्रजा मित्र ये गुजराती भाषा में समाचार पत्र था। और जो नायक है ये बंगाली भाषा में समाचार पत्र था, बंगाली भाषा में। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, युगांतर और काल। ऑप्शंस एक और दो, बी एक और तीन, सी दो और तीन, डी एक दो और तीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एक दो और तीन। मतलब इन सभी समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की गई थी, संध्या, युगांतर और काल समाचार पत्रों के द्वारा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी गुजराती, सी तमिल, डी उर्दू। तो इसका सही उत्तर है उर्दू भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट यंग इंडिया, बी महात्मा गांधी न्यू इंडिया, सी बीजी तिलक केसरी, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बीजी तिलक केसरी, ये इसका एक सुमेलित क्रम है। बाकी जो ये पत्र और उनके सामने जो ये लोग छपे हैं एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, सुरेंद्र बनर्जी, ये सही नहीं है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यंग इंडिया, न्यू इंडिया और मराठा इनसे संबंधित लोगों के या जो जिन्होंने इन पत्र या पत्रिकाओं या इन समाचार पत्रों को संपादित किया है या इनके द्वारा छापा गया, इनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, न्यू हिंद, द आर्यंस। ऑप्शंस ए एक एवं दो, बी एक एवं तीन, सी दो और चार, डी तीन और चार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक और दो, मतलब कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार हैं।
प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? ऑप्शंस ए महात्मा गांधी मूकनायक, बी बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, सी एनी बेसेंट कॉमनवेल, डी बी आर अम्बेडकर केसरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनी बेसेंट कॉमनवेल। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? ऑप्शंस ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शौकत अली, डी खलीकुज्जमान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौमी आवाज़ पत्र आरंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नवजीवन एम के गांधी, बी स्वराज टी प्रकाशम, सी प्रभात एन सी केलकर, डी कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये चलाया गया था समाचार पत्र। प्रश्न नंबर 25, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी बी आर अम्बेडकर ने, सी वी डी सावरकर ने, डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया था, एक मराठी पाक्षिक पत्र था बहिष्कृत भारत, ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा चलाया गया था। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।